हेलो एवरीवन, वेलकम टू JPIT। मैं हूँ विकास और आज मैं आप लोग को बताऊंगा कम्युनिकेशन स्किल का पहला टॉपिक कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन इज एन एक्टिविटी और ए प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स एंड आइडिया फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। कम्युनिकेशन एक ऐसा एक्टिविटी है या ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेंडर रिसीवर को अपना कोई आइडिया या कोई फीलिंग एक्सप्रेस करता है, तो उस प्रोसेस या उस एक्टिविटी को बोलेंगे कम्युनिकेशन। आगे देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कौन कौन से एलिमेंट हैं? पहला सेंडर, दूसरा मैसेज, तीसरा चैनल, चौथा रिसीवर, पांचवा फीडबैक। सेंडर वो होता है जिसके मन में कोई आइडिया है जो कि वो किसी को बताना चाहता है, जिसके मन में कोई आइडिया हो, कोई थॉट हो जो कि दूसरों को बताना चाहता है, वो हो गया सेंडर। उसके बाद आता है मैसेज, जो कुछ भी सेंडर के मन में है जो कि बताना चाहता है दूसरों से या दूसरों से पूछना चाहता है तो उसको बोलेंगे मैसेज। फिर आता है चैनल, मैसेज को जिस माध्यम के द्वारा सेंड किया जाता है उसको वो उस माध्यम को बोलेंगे चैनल या मीडियम। फिर आता है रिसीवर, रिसीवर वो होता है जिसके पास मैसेज गया, यानी कि सेंडर जिसको मैसेज भेजता है वो हो जाएगा रिसीवर। और फीडबैक, फीडबैक क्या होता है? फीडबैक वो होता है जो रिसीवर सेंडर को, सेंडर के मैसेज को कोई रिप्लाई देता है तो उस रिप्लाई को ही बोलेंगे फीडबैक। ठीक है, तो इस फिगर में देख सकते हैं, इस फिगर से सब लोग समझेंगे कि जैसे ये है, इसके मन में कोई आइडिया है, कोई थॉट है जो कि, या इसके मन में कोई प्रश्न है जो कि इससे पूछना चाहती है, तो ये हो गई क्या सेंडर। जो कुछ भी इसके मन में है, जो कुछ भी ये पूछना चाहती है उसको बोलेंगे मैसेज, जिससे ये हो गया यहाँ पर मैसेज। फिर ये सेंडर जिसको मैसेज भेजती है, जिसके पास जाता है वो हो जाएगी रिसीवर, जिसे ये हो जाएगी रिसीवर। फिर मैसेज, मैसेज जिसके जरिए भेजा जा रहा है, जैसे इसके, इसके जरिए भेजा रहा जा रहा है मैसेज, तो ये हो जाएगा क्या मीडियम, या इसको कह सकते हैं चैनल। अब ये रिसीवर जो है सेंडर के मैसेज को, मतलब इसके मैसेज को, ये जो मैसेज है, इस मैसेज का कोई रिप्लाई देती है ये रिसीवर, तो जो भी रिप्लाई जाता है उस रिप्लाई को बोलेंगे फीडबैक। ठीक है, तो ये हो गई सेंडर, ये हो गई रिसीवर, ये हो गया मीडियम या चैनल, ये हो गया उसका रिप्लाई, मैसेज का रिप्लाई या फीडबैक, और ये हो गई रिसीवर। आगे देखते हैं कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल में क्या होता है? सेंडर से मैसेज जो है रिसीवर के पास जाता है, सेंडर के मन में जो आइडिया है, जो थॉट है, उसको इनकोडिंग करके, मतलब कि मैसेज में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करता है, सेंडर भेजता है, और जो मैसेज भेजा गया वो रिसीवर क्या करता है, रिसीव कर लेता है। रिसीव करने के बाद फिर उसको डिकोडिंग करता है, उसको यानी कि समझता है, वापस आइडिया में कन्वर्ट कर देता है मैसेज को, और फिर उस मैसेज को समझता है या आइडिया को समझता है रिसीवर, और फिर समझने के बाद उस मैसेज का कोई रिप्लाई दे देता है वापस सेंडर को, तो बोलेंगे जो रिप्लाई दिया, जो भी कुछ भी रिप्लाई है उस रिप्लाई को ही बोलेंगे फीडबैक। तो कम्युनिकेशन साइकिल कुछ इस तरह से काम करता है, सेंडर्स के मन में आइडिया है या थॉट है, उसको इनकोडिंग कर दिया गया, उसके बाद फिर ट्रांसमिट कर दिया गया, ट्रांसमिट करने के बाद ट्रांसमिट करने के बाद सेंडर रिसीवर रिसीव किया, फिर उसको डिकोडिंग किया, डिकोडिंग करने के बाद रिसीवर उसको अंडरस्टैंड समझा, समझने के बाद फिर वो वापस मैसेज का रिप्लाई देता है यानी कि फीडबैक देता है वापस सेंडर को।
तो इस तरह से जो है एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तो इसी को बोलेंगे कम्युनिकेशन साइकिल। फिर देखते हैं कम्युनिकेशन साइकिल में जो जो एलिमेंट था, तो पहला तो था सेंडर। सेंडर इज द पर्सन हु गेट्स आइडिया अबाउट द टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन। सेंडर वो पर्सन होता है जिसके मन में आइडिया आता है, विचार आता है, तो जिसके मन में विचार आया उसको बोलेंगे सेंडर। जैसे कि इन ए क्लासरूम कम्युनिकेशन इवेंट जनरली द टीचर इज द सेंडर। क्लासरूम कम्युनिकेशन इवेंट में ज़्यादातर जो है टीचर ही सेंडर होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं इनकोडिंग। द प्रोसेस इन विच द सेंडर पुट्स हिज आइडिया इन सम अंडरस्टैंडेबल कोड एंड फॉर्म्स द मैसेज इज कॉल्ड एज इनकोडिंग। वैसा प्रोसेस जिसमें सेंडर क्या करता है, अपना आइडिया को कोई अंडरस्टैंडेबल कोड या मैसेज में कन्वर्ट करता है, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे इनकोडिंग। मतलब जो आइडिया था उस आइडिया को कन्वर्ट कर दिया गया मैसेज में, तो ये जो प्रोसेस था उस प्रोसेस को बोलेंगे इनकोडिंग। फिर आता है मैसेज। मैसेज क्या है, टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन सेंडर हैज सम थॉट्स आइडिया और इंफॉर्मेशन इन हिज माइंड। कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए सेंडर के मन में कोई विचार होता है, कोई आइडिया होता है, कोई थॉट होता है, इंफॉर्मेशन होता है, उसको क्या करता है फ्रेम कर लेता है, स्ट्रक्चर प्रॉपरली कर लेता है, और उस फ्रेम फॉर्मेट को ही हम क्या कहते हैं मैसेज। जैसे इन ए क्लासरूम कम्युनिकेशन इवेंट, इन ए क्लासरूम कम्युनिकेशन इवेंट क्या होता है कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो हो जाएगा मैसेज। फिर आते हैं चैनल। द मीडिया थ्रू विच द मैसेज इज सेंट इज कॉल्ड एज द चैनल। जिस मैसेज को जिस माध्यम के जरिए भेजा जा रहा है उसको बोलेंगे चैनल। जिस मीडिया के जरिए जो है मैसेज भेजा जा रहा है, जिस चीज के जरिए मैसेज भेजा जा रहा है उसको बोलेंगे चैनल। द लेटर ऑफ इंटरव्यू कॉल लेटर इज द मीडियम या चैनल। मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल जाता है, कॉल लेटर जाता है, तो वो कॉल लेटर क्या होगा मीडियम या चैनल कह सकते हैं। रिसीवर, रिसीवर कौन होता है। रिसीवर द पर्सन हु गेट्स और रिसीव द मैसेज सेंट बाय द सेंडर। रिसीवर वो पर्सन होता है जिसके पास मैसेज गया, जो मैसेज रिसीव करता है उसी को बोलेंगे रिसीवर। इन ए क्लासरूम कम्युनिकेशन इवेंट जनरली द स्टूडेंट्स आर रिसीवर। क्लासरूम कम्युनिकेशन इवेंट में ज़्यादातर जो स्टूडेंट होता है वो रिसीवर होता है, ठीक है। ज़्यादातर क्लासरूम कम्युनिकेशन इवेंट में स्टूडेंट रिसीवर होता है। फिर आते हैं फीडबैक। द आंसर और रिप्लाई गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर्स मैसेज इज कॉल्ड एज फीडबैक। जो भी आंसर या रिप्लाई रिसीवर के द्वारा दिया जाता है उस सेंडर के मैसेज को, तो उस रिप्लाई को या उस आंसर को बोलेंगे फीडबैक। एग्जांपल, इन ए पब्लिक स्पीच व्हेन ए सेंडर सेज समथिंग वेरी अप्रिशिएबल द ऑडियंस क्लैप फॉर हिम। जब पब्लिक स्पीच में कोई सेंडर मतलब कि कोई स्पीच दे रहा है, तो ऑडियंस के सामने ऑडियंस जो है उसके स्पीच देने के बाद ऑडियंस क्लैप करने लगता है, ताली बजाने लगता है, तो उस क्लैपिंग को हम कह सकते हैं कि वो स्पीकर के लिए फीडबैक है। तो क्लैपिंग करने से क्या हुआ कि जो स्पीच दे रहा था उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरी बात जो है लोगों तक पहुँच गई है, वो अच्छी तरह समझ गए हैं। अगर ताली बजाने लगेगा ऑडियंस, तो इससे ये पता चल जाएगा और एक एक्सपीरियंस सेंडर को कि हमारी बात जो है पहुंच गई है लोगों तक और वो अच्छी तरह समझ गए हैं। तो इसीलिए क्लैपिंग को कहा जा सकता है फीडबैक। दोबारा रिपीट कर लेते हैं कम्युनिकेशन का डेफिनेशन। कम्युनिकेशन इज एन एक्टिविटी और प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक ऐसा एक्टिविटी है या ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेंडर रिसीवर को अपना कोई आइडिया या कोई फीलिंग एक्सप्रेस करता है यानी कि बताता है, तो उस प्रोसेस को या उस एक्टिविटी को बोलेंगे कम्युनिकेशन।
आज के लिए रखते हैं, थैंक यू सर।